वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 25 दिसंबर 2019 और 25 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न, और बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा था। सबसे पहले तो मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ। क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अतुल कर्णवाल। अतुल कर्णवाल को हाल फिलहाल में राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इको। हाल फिलहाल में इको नाम दिया है 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी कॉमन करेंसी को। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, ये फैसला लिया है उन सब ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदलकर इको करने का, इको, ECO। ठीक है, अब बात करते हैं CF फ्रैंक को अलग करने का भी फैसला लिया है, CFA। मैं बता देती हूँ CFA। ठीक है, ये कहाँ की है? फ्रांस से मौजूदा मुद्रा, फ्रांस की मुद्रा को भी अलग करने का फैसला लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनुएल मैक्रों ने आइवरी कोस्ट की यात्रा के दौरान की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट से लाइक कर दो, और अगर आपको वीडियो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फटाफट से शेयर भी कर दो अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के हर एक ग्रुप के हर एक पेज में फटाफट से शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाए। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राखी हल्दर। राखी हल्दर ने हाल फिलहाल में 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए और कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक भी जीता। ठीक है, भारतीय महिला वेट लिफ्टर राखी हल्दर ने हाल ही में कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ साथ 2 नए रिकॉर्ड भी बनाए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जिस वजह से वे जानी जाती हैं। अब बात करते हैं, उन्होंने टोटल 218 किलोग्राम का भार उठाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनावों में किसे जीत मिली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अशरफ गनी। अशरफ गनी को हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है वापस से। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला को हराकर दोबारा राष्ट्रपति पद का हासिल कर लिया है, राष्ट्रपति का पद, और इनको टोटल कितने वोट मिले हैं? 923,868। कितने वोट मिले हैं? 923,868, जो कि 50.64 है टोटल वेट का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय मानसिक अस्वस्थता से अग्रसित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉसेंट पेपर। लॉसेंट पेपर की प्रकाशित शोध पत्र में यह कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक अस्वास्थ्य से ग्रसित है, और इसका अर्थ यह है कि देश की 19.73 करोड़ अथवा 14.3% आबादी मानसिक विकार से पीड़ित है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि 2017 में लगभग 4 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार भी थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हर्षवर्धन श्रृंगला।
हर्षवर्धन श्रृंगला को हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। 29 जनवरी वो कब पदभार संभालेंगे अपना, 29 जनवरी 2020 को, ठीक है। चलिए देखते हैं, और उन्होंने किसका स्थान लिया है, उन्होंने विजय गोखले को रिप्लेस किया है, और वे वर्तमान में प्रेजेंटली वो कौन है, अमेरिका में भारत के राजपूत के रूप राजदूत, भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, अर्थात कल मनाया गया था भारत में भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 2000 में सबसे पहली बार मनाया गया था, क्योंकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था, इसलिए यह 24 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। और ये उपभोक्ता आंदोलन को अवसर भी प्रदान करता है और उसके महत्व को भी उजागर करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में जनवरी 2020 में किया जाएगा। मतलब ये क्लियर है, 2020 का जो सेशन होगा वो स्विट्जरलैंड में होगा, और किस शहर में होगा, वो होगा दावोस में। कहाँ पर होगा, दावोस में। इस बैठक में लगभग 100 से अधिक भारतीय सीईओ, राजनेता तथा बॉलीवुड सितारे पार्टिसिपेट ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें विश्व के लगभग 3000 या उससे ज़्यादा नेता हिस्सा लेंगे। और विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, अपोलो हॉस्पिटल समूह की किस संयुक्त प्रबंध निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। तो इसका करेक्ट आंसर किसने संभाला है, फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार तो संभाला है संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी जो अध्यक्ष बन चुकी है 2020 में, उन्होंने SIL के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप सोमानी की जगह फिक्की की अध्यक्ष बनी है, वो अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्की, भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, और इसकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1927 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। इस निकाय यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उस सदस्य देश का प्रतिनिधि करता है जिसके पास उस समय यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता होती है, और यह परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी जरूरी है, ठीक है। और जो यूरोपीय संघ का कॉन्सिलियम है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है। अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी। और इस नीति का उद्देश्य क्या है, दिल्ली को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है। सरकार ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी, और इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का भी गठन किया जाएगा।
ठीक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2024 तक पंजीकृत होने वाले 25% नए वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हो, और ई वाहन नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या कहता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसके ऑप्शंस है बाहुबली, सिंघम, बधाई हो या अंधाधुन। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दे, और जिस बच्चे ने शेयर नहीं किया वो फटाफट से शेयर कर दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।